एवरीबॉडी, सो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा फर्स्ट डे कैसा था ब्रेसिस के साथ, बिकॉज इससे जो लोग ब्रेसिस लगवाने वाले हैं या जो चाहते हैं कि ब्रेसिस लगवाएं, उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि लाइक कैसा फील होता है या फिर कैसे ब्रेसिस लगते हैं, कितना पेन होता है, उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगी आज। तो शुरू करते हैं। जब मैं फर्स्ट डे पूछ कर आई थी, पहले मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी, पूछ कर आई थी मैं डेंटल से कि ठीक है इस टाइम इस दिन आप आना, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जब गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा लगाने में, ब्रेसिस लगाने में पेन होगा और टाइम भी लगता है ब्रेसिस लगाने में, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इस चीज़ का कि पता नहीं कितना पेन हो मुझे ब्रेसिस लगने में। लगाए ब्रेसिस नहीं लगाए, सबसे पहले आप देखोगे ये है ना, ये प्लग लगते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही हमारे तार भी इसमें जॉइंट कर देते हैं। सबसे पहले मेरे ये प्लग ही लगे थे और ये पहले प्लग ही लगते हैं सभी के, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट तार लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको लगाते टाइम दर्द हुआ था, को लगने में दर्द नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जब मैं लग गए ब्रेसिस लग गए, फिर उसके बाद जब मैं घर पे आई हूँ और उसके एक दो घंटे बाद मुझे इतना पेन हो रहा था। जो प्लग है ना ये ज़्यादा पेनफुल होते हैं बजाय ये जो ब्रेसिस के तार हैं इससे। जब ये प्लग लगे थे मेरे, एक तो वैसे ही मेरे दांत बाहर थे, ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये प्लग लग गए थे तो और ज़्यादा मतलब ऐसे उठा हुआ हो गया था मेरा मुंह, बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था, इतना गंदा लग रहा था मेरा मुंह, ऐसे हो गया था मेरा मुंह। हम हंस रहे हैं या हम कोई बात कर रहे हैं जैसे ये वो, तो हम जैसे अभी मैं नॉर्मल बात कर पा रही हूँ, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है। जैसे हम हंसे तो हम नॉर्मल ऐसे बात मतलब मुंह बंद करते, लेकिन उस टाइम पे मुझे मुंह ऐसे बंद करना पड़ रहा, ऐसा करके मेरा मुंह बंद हो रहा था। ये प्लग है, ये प्लग ना मतलब बहुत दर्द करते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं ये। मैं फर्स्ट डे ब्रेसिस लगवा के आई थी, प्लग लगवा कर आई थी, तो मैंने खाने में बिल्कुल भी मतलब रोटी नहीं खाई थी, मैंने खिचड़ी खाई थी, दाल पी थी और खिचड़ी खाई थी, रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई थी मैंने, बिकॉज मुझे ना पेन लग रहा था। डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, ऐसी बात नहीं है कि दवाई नहीं लिखी थी, लेकिन मैंने दवाई ली नहीं थी, लेकिन मैं अवॉइड करी थी दवाई, क्योंकि पूरे दो एक डेढ़ साल या 18 महीने का मेरा ट्रीटमेंट था, तो मैं कितनी ही दवाई खाती, स्टार्टिंग में ही मैंने एक दो पेन किलर खाई थी। और अगर आप ब्रेसिस लगवाने की सोच रहे हो और आप चाहते हो कि ब्रेसिस लगवाऊँ, तो वो आप पहले ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले ही एक दो वैक्स ला के रख लें, जो ऑर्थो वैक्स होती है वो ला के रख लें, जिससे वो चुभेगा नहीं। वैक्स तो आपको पता ही है, ऐसे करके जो जहाँ पे भी चुभ रहा है वहाँ पे आप उसको लगा सकते हो, और थोड़ा गुनगुना पानी लेके अपने जो मसूड़े हैं उन्हें आप सिकाई कर सकते हो, वो यही चीज़ें स्टार्टिंग में आप कर सकते हो जिससे आपको थोड़ा कम पेन हो, बट पेन तो होता ही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो के लिए बाय बाय।